Hello students, I am Sudhi Gupta, your math teacher. Today we start class 10th math, chapter 15, exercise 15.1. So please like, share and subscribe this channel, beta. Question number 6, take here. A bag contain lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ठीक है तो बेटा क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक बैग है उसमें है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली ठीक है इसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही है मालिनी ने एक कैंडी उठाई विदाउट लुकिंग ठीक है उसने देखा नहीं कुछ भी बैग में ऐसे उठाई रैंडमली उठाई वट इज़ द प्रोबिलिटी दैट शी टेक्स आउट तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है जब उसने ओरेंज फ्लेवर्ड कैंडी उठाई तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी तो उसमें है ही नहीं ठीक है और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी वो तो है ठीक है तो अब इसका देखते हैं हम ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी जो उसने उठाई उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आप बताइए जब कैंडी बैग में है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी ज़ीरो आएगी बेटा ओके कौन सा वो हुआ ये इम्पॉसिबल इवेंट हुआ ना आपके पास ये तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स का सोल्यूशन हम कर रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले आप लिखेंगे अ बैग कंटेन अ बैग कंटेन ओनली ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ठीक है तो बैग में हमारे पास ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है और बैग में कौन सी ओरेंज वाली कैंडी नहीं है तो देयर इज नो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी ओके बेटा तो फर्स्ट वाला जो हमारा है प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है किसकी एन ऑरेंज की तो वो क्या आ जाएगी है? तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इसको हम शॉर्ट में पी लिखेंगे एन ओरेंज फ कैंडी तो वो क्या आ जाएगी ज़ीरो इम्पॉसिबल इवेंट ओके बेटा और सेकेंड हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी तो आप लिखेंगे बैक कंटेन ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आपने लिख लिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे आप इसकी अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी तो वो कितनी है हमारे पास हमें कुछ नहीं आइडिया दिया कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन में तो हम उसको क्या मानेंगे वन मानेंगे क्या मानेंगे वन तो वन अपॉन वन क्या हो जाएगा वन आ जाएगा ठीक है हमें तो कुछ नहीं बताया गया ना बट हमारे पास ये क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम भी हमने वन ले लिया टोटल आउटकम भी वन ले लिया क्यों क्योंकि हमें सिर्फ बोला गया है ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है तो इसलिए हमने उसके लिए होल जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने वन मान ली थी ठीक है जो फेवरेबल आउटकम वन और टोटल आउटकम भी वन इसलिए वन आंसर आ गया ओके बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सेवंथ वाला क्वेश्चन वो देखिए सेवंथ क्वेश्चन में आपको बोला गया है इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट ठीक है थ्री स्टूडेंट का बेटा आपके पास ग्रुप है और उसमें बोला गया था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज दिस और दो कोई स्टूडेंट हैं आपके पास इसी में से ठीक है उनका जो बर्थडे डेट uh, है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे ठीक है उनका जो सेम बर्थडे की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है क्लियर है नॉट मतलब सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ये है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे तो आप बताइए उनका सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है ओके okay, बेटा अब ये आपने जो थ्री स्टूडेंट है इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना हमें इसने थ्री स्टूडेंट स्टार्टिंग में बोला है बट जो प्रोबेबिलिटी हमें दे रहा है वो हमें किस चीज़ की दे रहा है वो दे रहा है नॉट वाली ठीक है तो हमने बेटा जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी जैसे वी नो दैट ठीक है हमने पढ़ा था पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मतलब नॉट इवेंट की वो टोटल क्या होती है वन ओके okay, हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे क्लियर है हमारा जो दूसरा वाला फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम वो वाला नहीं ये वाला लगेगा क्लियर है बेटा यहाँ पे हमने देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे ठीक है तो ये हमें गिवन दिया गया है हम लिखेंगे हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे तो वो है हमारे पास ज़ीरो पॉइंट नाइन नाइन टू ठीक है तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट वाली तो नॉट वाली क्या हो जाएगी बेटा वो वन माइनस जो हमें दिया गया है नॉट वाली ये माइनस हो जाएगी ठीक है तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हैविंग सेम तो आप लिखेंगे देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे तो वो क्या आ जाएगी वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन नाइन टू ठीक है तो अब वन में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा वन पॉइंट जीरो जीरो लेके करेंगे आप ठीक है तो हमारे पास आंसर आएगा जब जीरो तो यहाँ पे टेन में से टू गया तो एट फिर नाइन नाइन में से जीरो अगेन नाइन नाइन में से जीरो तो पॉइंट तो यहाँ पे जीरो ही बचा था ओके okay, बेटा अब नहीं करके देखना है क्लियर है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट हैव सेम तो वो ये आगे क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एट्थ वाला एट्थ वाला सॉरी oh. hmm. एट्थ वाले क्वेश्चन में एट्थ वाले क्वेश्चन में देखिए अ बैग कंटेन थ्री रेड बॉल्स एंड फाइव ब्लैक बॉल्स अ बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग वट इज़ द प्रोबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन दैट द बॉल इज रेड एंड नॉट रेड ठीक है तो सबसे पहले जो हमें गिबन दिया है वो राइट करेंगे आप आप लिख रहे हैं नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग तो वो कितने हैं बेटा हमारे पास थ्री रेड बॉल ओके फिर आप लिख रहे हैं नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ठीक है वो कितने आ जाएंगे हमारे पास फाइव अब बेटा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ठीक है तो वो कितने हो गए थ्री प्लस फाइव एट हो गया तो मतलब ये हमारे टोटल आउटकम्स हो गए ठीक है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ठीक है ये आगे वो एट हो गए ओके बेटा नेक्स्ट हमें ये करना है यहाँ पे देख रहे हैं आप ये आ गया हमारे पास अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की बेटा अब रेड बॉल देख रहे हैं कितने हैं टोटल थ्री तो हम प्रोबेबिलिटी हमें बोला गया है रेड बॉल अब रेड बॉल तीन है तीनों में से कोई भी आ सकता है ठीक है तो मतलब तीनों के आने के चांसेस हैं हमने तो बाय अब बॉल पिक करना है ना ठीक है तो हम कोई भी उठा सकते हैं इसलिए जो फेवरेबल आउटकम हुए रेड बॉल के वो क्या हुए थ्री हुए तो आप लिखेंगे फर्स्ट वाला पार्ट है बेटा हमारे पास रेड बॉल तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल तो लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स ठीक है ओके okay, बेटा तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं थ्री अपॉन में टोटल क्या है एट तो ये आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी आप किसकी रेड बॉल्स की ओके बेटा तो थ्री बाय एट इज द आंसर ओके नेक्स्ट पार्ट आप इधर देखिए यहाँ पे सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं सेकेंड पार्ट में बोला है नॉट रेड अब बेटा हमने क्या किया हमने पीछे पढ़ा है वी नो दैट आप लिखेंगे वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू वन ठीक है तो अब हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई है हम नॉट की निकाल सकते हैं येस yes, तो आप लिखेंगे देअर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल इज इक्वल टू वन माइनस थ्री बाई एट तो एल सी एम लेंगे आप इसका एट माइनस थ्री बाई एट इज इक्वल टू फाइव बाई एट दिस इज द आंसर ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन में आपको बोला गया है अ बॉक्स कंटेन फाइव रेड बॉल मार्बल्स एट वाइट मार्बल्स एंड फोर ग्रीन मार्बल्स ठीक है वन मार्बल इज़ टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम अब रैंडमली आपको बॉक्स में से मार्बल uh, पिक करना है वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड वाइट एंड नॉट ग्रीन ठीक है तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो राइट करेंगे हमें गिवन में दिया गया है नंबर ऑफ रेड बॉल्स नंबर ऑफ रेड मार्बल्स नंबर रेड मार्बल्स बॉक्स तो वो कितने हैं हमारे पास ठीक है तो नेक्स्ट लिखेंगे आप नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स ये हमने लिखा नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स ग्रीन मार्बल्स एंड टोटल नंबर ऑफ मार्बल जो है तीनों का प्लस करेंगे सेवनटीन आएगा टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स हो गए हमारे पास ठीक है तो अब हमें बोला है रेड मार्बल तो बेटा रेड मार्बल कितने हैं फाइव तो फाइव में से कोई भी आ सकता है क्योंकि उसने बॉक्स में से मार्बल निकालना है रेड हमें नहीं पता कौन सा वाला रेड आएगा ठीक है इसलिए इसलिए हम इसमें से हमारे जो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम है वो कितने हुए फाइव ठीक है और बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो सेवनटीन तो आप लिखेंगे फर्स्ट वाला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल तो रेड मार्बल के लिए आपने क्या करना है टोटल uh, जो फेवरेबल आउटकम है उसके फाइव फाइव अपॉन सेवनटीन दिस इज़ द आंसर ठीक है तो सेकेंड वाला है हमारे पास यहाँ लिखा गया है वाइट तो वाइट मार्बल टोटल कितने हैं एट तो एट ही आ जाएंगे आपके फेवरेबल आउटकम क्यों क्योंकि बेटा एट में से हमारे पास कोई भी मार्वल आ सकता है हमें नहीं पता कौन सा इसलिए हमें एट के एट आने के चांसेस हैं ठीक है इसलिए फेवरेबल जो आउटकम हुआ वो एट ही हुआ आपका ओके बेटा तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा वाइट मार्वल वाइट मार्वल तो वो आएगा आपके पास एट अपॉन सेवेंटीन ओके फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम ओके बेटा तो थर्ड वाला है हमारे पास आ, क्या बोला उसने ग्रीन नॉट ग्रीन सॉरी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ग्रीन निकालेंगे ओके okay? तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल तो निकालिए ग्रीन की कितने हैं टोटल फोर तो फोर के फोर आने के चांसेस इसलिए फोर के फोर फेवरेबल आउटकम हुए आपके तो फोर अपॉन टोटल क्या है सेवनटीन ओके okay? अब ये हमारे पास तो हमारे पास क्या होता है पी ई इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू वन ओके तो अब हमने क्या निकाले हैं फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल नॉट ग्रीन मार्बल उसके लिए क्या आएगा बेटा वन माइनस कर देंगे आप तो नॉट ग्रीन चाहिए तो ग्रीन वाले माइनस कर देंगे आप फोर अपॉन सेवनटीन एलसीएम लेंगे आप सेवनटीन माइनस फोर अपॉन सेवनटीन तो कितना आ जाएगा थर्टीन बाय सेवनटीन ठीक है दिस इज द आंसर क्लियर है ना बेटा सेवनटीन है ना ये आ गया हमारा आंसर ओके okay? तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा ये हमारा आंसर uh, हो गया अब क्वेश्चन नंबर टेन देखिए क्वेश्चन नंबर टेन में आपको बोला गया है पिगी बैंक कंटेन हंड्रेड फिफ्टी पैसे कॉइन फिफ्टी रुपीज़ वन कॉइन ट्वेंटी रुपीज़ टू कॉइन एंड टेन रुपीज़ फाइव कॉइन इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट वेन द बैंक इज टर्नड अपसाइड डाउन वट इज़ द प्रोबेबलिटी दैट द कोइन विल बी अ फिफ्टी पैसा कॉइन विल नॉट बी रुपीज फाइव कॉइन ठीक है सबसे पहले जो आपके पिकी बैंक में आ, आपको कॉइन्स दिए गए हैं उसको आप राइट डाउन करेंगे हमारे पास हंड्रेड हैं फिफ्टी पैसा कॉइन तो आप लिख रहे हैं नंबर ऑफ नंबर ऑफ फिफ्टी पैसा कॉइन ठीक है तो वो कितने हैं बेटा हंड्रेड ओके क्लियर है बेटा नंबर ऑफ फिफ्टी पैसा कॉइन कितने हैं हंड्रेड तो आप नेक्स्ट लिखेंगे नंबर ऑफ रुपीज़ वन कॉइन तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ रुपीज़ वन कॉइन तो वो कितने हैं आपके पास फिफ्टी फिफ्टी लिखे ना ये तो ये फिफ्टी रुपीज़ वन फिर है आपके पास नंबर ऑफ रुपीस हाँ हंड्रेड हो गया हमारे पास ये फिफ्टी हो गया वन रुपीस कॉइन ट्वेंटी रुपीस टू कॉइन रुपीस टू कॉइन्स कितने हैं बेटा ट्वेंटी ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ रुपीस फाइव कॉइन तो वो है हमारे पास टेन ओके okay? ये हमारे पास टोटल कॉइन्स आगे किस में इन अ पिग् बैंक ठीक है कॉइंस इन अ पिग्गी बैंक ठीक है तो ये आ गया हमारे पास ओके okay, बेटा तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉइंस ये हमने राइट किया टोटल नंबर ऑफ कॉइंस एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी यही हो गया तो फर्स्ट वाला हमें पूछा गया है फिफ्टी uh, पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फिफ्टी पैसा कॉइन क्या है फिफ्टी पैसा कॉइन तो आपको बेटा फिफ्टी पैसे के कोईन कितने हैं आपके पास हंड्रेड तो हंड्रेड अपॉन टोटल आ जाएगा वन एट्टी ज़ीरो ज़ीरो कट हुआ टू से काटेंगे टू फाइव ज़ा एंड टू नाइन ज़ा फाइव बाई नाइन इज़ द आंसर ओके नेक्स्ट हमें पूछा गया है सेकेंड वाला सेकेंड वाला हमें पूछा है विल नॉट अ रुपीज़ फाइव कॉइन तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रुपीज़ फाइव कॉइन तो नॉट रुपीज़ फाइव कॉइन के लिए क्या करते हैं हम टोटल जो है आ, कौन सी पहले प्रोबेबिलिटी हम फाइव कॉइन की निकालेंगे ठीक है तो इसके लिए हम लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी इसको नाट को अभी आप इसको काटिए प्रोबेबलिटी रुपीज़ फ़ाइव कॉइन ठीक है फ़ाइव के कॉइन कितने हैं हमारे पास टेन टेन अपॉइंट टोटल कितना आ जाएगा वन एट्टी अब टेन कैसे बेटा टेन में से हम कॉइन तो कोई भी आ सकता है ना इसलिए टेन के टेन आएँगे आपके फेवरेबल आउटकम ओके तो ये आपने काटा वन बाई एटीन हो गया ओके okay? तो देअर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ नाट रुपीज़ फाइव कॉइन तो नॉट के लिए क्या आएगा वन माइनस वन बाई एटीन टोटल में से है ना तो टोटल में से क्या आएगा हमने ये किया था फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ठीक है तो ये आ जाएगा बेटा एटीन माइनस वन और एटीन तो कितना आ जाएगा सेवेंटीन बाय एटीन क्लियर है तो दिस इज द आंसर थैंक यू